हाय गाइज़, गुड मॉर्निंग गाइज़। आज मैं सुबह नींद से लेट उठा और अभी 10:40 हो रहे हैं और मेरी मम्मा ने मुझे, आपको मैं दिखाता हूँ, एक बहुत बड़ी लिस्ट दी है सामान की। तो आई हैव जस्ट गॉट 20 मिनट्स टू बाय एवरीथिंग। 11 बजे सारी शॉप्स बंद हो जाएंगी, तो उससे पहले मुझे सब कुछ ख़रीदना है, नहीं तो फ्लाइंग चप्पल आएगी मेरी मम्मी की मेरे ऊपर। तो आज मैं आपको अपने साथ लेने वाला हूँ। कोरोना का टाइम है, वील बी सेफ। आप भी अपना मास्क पहन लो एंड लेट्स स्टार्ट द जर्नी। मैं आपको एक बार टाइम दिखा देता हूँ, टाइम क्या हो रहा है। इट्स 10:40, सो लेट्स स्टार्ट। भैया पाव का पैकेट है क्या? पाव का पैकेट 2 लीटर दूध। पाव का पैकेट तो आ गया। भैया बर्गर है क्या? बर्गर क्या बता रही है? बर्गर के जो बन होते हैं। फटाफट राई और पनीर ले लेते हैं। ढूंढते हैं, पहले तो ढूंढते हैं शॉप कौन सी खुली हुई है। दोस्तों, राज स्टोर भी बंद है। इसका मतलब मुझे राई जो चाहिए थी और लाल मिर्ची जो चाहिए थी वो नहीं मिलेगी, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है। सैटरडे संडे है, सब बंद है। अब बस एक ही चीज़ बची, पनीर। तो मैं फटाफट पनीर ले लेता हूँ और घर चला जाता हूँ। क्या हाल है भैया? राम राम, कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। हाँ यार, पावर पनीर। ये कमरे की बस काम से जाते हैं, थोड़ी देर के लिए घर आ जाते हैं और क्या करें, सब बंद लगा हुआ है। आपके बैंक तो चालू है? हाँ, तो थोड़ी देर आता है, वही तो बोलो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। दोस्तों, पनीर तो हमने ख़रीद लिया, मगर अब मैं देख लेता हूँ फटाफट कि क्या बचा है ख़रीदने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है अपने पास। मेरे हिसाब से सिर्फ 5 या 10 मिनट बचे होंगे और सब कुछ बंद हो जाएगा, 11 बज जाएंगे। तो फटाफट मैं चेक कर लेता हूँ। पनीर ले लिया, पाव ले लिया, बन मिला नहीं, राई नहीं मिली, मिर्ची नहीं मिली। तो अब एक शॉप और फटाफट ट्राई कर लेते हैं अपन और देख लेते हैं, क्या पता उस पर अपन को ये सब कुछ मिल जाए। नहीं तो पता है ना क्या होगा, फ्लाइंग चप्पल आएगी मम्मी से। प्रधान जी किसके पास रखूं? नीता दो 200 ग्राम राई और पाव भर मिर्ची। जो सब मस्त। ओके थैंक यू। लकीली जो जो मुझे चाहिए था वो सब मिल गया, बस सोशल डिस्टेंसिंग की तो लग गई बॉस। लास्ट मोमेंट पे जाओ तो यही होता है, सोशल डिस्टेंसिंग हो नहीं सकती क्योंकि सबको अपना अपना सामान चाहिए और फटाफट घर जाना है। तो ठीक है, रात अभी घर जाके मैं सब कुछ सैनिटाइज़ करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। मेरे को सारा सामान मिल गया, आई एम हैप्पी। और बेस्ट पार्ट था कि मुझे गार्लिक लोफ चाहिए था गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए, तो वो भी मुझे मिल गया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको गार्लिक ब्रेड भी बना के दिखाऊँगा, कितनी अमेजिंग गार्लिक ब्रेड बनाता हूँ। वो रेसिपी भी फॉलो करना और बताना आपको कैसे लगी। तो बस आज का काम हो गया, अब घर चलते हैं। वैसे तो ये है मेरे घर की गली का गेट, मगर कोरोना की वजह से सब बंद करा हुआ है। तो मैं अब आगे से पूरा घूम के आऊँगा। दोस्तों पहुंच गया मैं घर, अब रीच्ड होम। अब मैं आपको दिखाता हूँ अभी क्या टाइम हो रहा है। :11:05। इसका मतलब मैंने अपना सारा काम कर लिया। मार्केट गया, आया, सब कुछ खरीदा, 10 दुकानों पे गया, 2 बार गेट बंद मिले, हर एक चीज़ करी मैंने विदिन 25 मिनट्स। इसे कहते हैं स्पीड। मैंने तो इतना सब कुछ किया, मुझे तो इतना सब कुछ करना पड़ा, मगर आपको ये सब कुछ नहीं करना है। आपको तो सिंपल है, जाना है, लाइक करना है इस वीडियो को, कमेंट करना है आपको कौन सा पार्ट बेस्ट लगा, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर करना है। बस सिंपल, और क्या है, इतना ही तो है।